हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखो चार्जिंग, आप सभी लोगों को पता है कि चार्जिंग होती क्या है जी। चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से। सपोज करो ये आपकी दो बॉडी हैं, बॉडी नंबर वन बॉडी नंबर टू। मैं इन दोनों को रब करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैंने इससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वाले में ऐड हुआ और इस वाले से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो रिमूव हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इस पर आया प्लस का चार्ज और इस पे आया माइनस चार्ज। समझे कि नहीं समझे। तो चार्जिंग का मतलब होता है सीधी सी बात एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलो बाय इंडक्शन, अब ये इंडक्शन क्या होता है, तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो इंडक्शन ही रहने वाला है, और काफी अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और आपको बता दूं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जी, चैप्टर नंबर टू है आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आपको इंडक्शन समझ में आया तभी आपको कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस समझ में आएगा। मतलब चैप्टर टू इस टॉपिक पे ही डिपेंड करता है कि आपको इंडक्शन की समझ है या नहीं, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे इंडक्शन के बारे में, तो चलो करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। आओ जरा देखो जी, सॉरी इंडक्शन होता क्या है। आपने कहा देखो जी, मैं पहले कुछ एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ कि इंडक्शन को हमने अपनी लाइफ में कहाँ देखा। जरा मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, आप मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? आपने बोला रिपल्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? आपने बोला अट्रैक्शन। चलो ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में होता है रिपल्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है अट्रैक्शन। अगर मैं तुमसे कहूं पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिव और न्यूट्रल में क्या होगा? आपने बोला जी पॉजिटिव, पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल में कुछ नहीं होता। हमारी तो समझ यही कहती है। अच्छा नेगेटिव और न्यूट्रल में क्या होता है? आपने बोला जी न्यूट्रल में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, मतलब चार्ज तो दुनिया की हर चीज में होता है मान लिया, लेकिन न्यूट्रल में नेट चार्ज तो नहीं होता। अच्छा पूरी दुनिया में चार्ज है? आपने बोला दुनिया की हर चीज में चार्ज है। मैंने कहा क्या मेरे मार्कर में चार्ज है? आपने बोला चार्ज है। कैसे जी? मार्कर में है एटम्स, और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, तो इसका मतलब इसमें चार्ज है, लेकिन बैलेंस्ड है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। आपने कहा बात तो आपकी सही है, बस आप मुझे इस बात का जवाब दे दो कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव न्यूट्रल में क्या होता होगा और नेगेटिव और न्यूट्रल में क्या होता होगा? आपने बोला इन दोनों में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कॉम्ब का और पेपर के पीसेस वाला एग्जाम्पल याद होगा? हाँ जी, कॉम्ब आपने बालों में रब किया और जब पेपर के पीस के पास देते हो अट्रैक्ट होते हैं। मेरी बात अच्छे सुनना, इंडक्शन को शुरू तब करूँगा जब आप डेली लाइफ से रिलेट कर लोगे। आपने कहा देखो जी हमारे पास कॉम्ब है, हमने बाल बहा लिए, बाल बहाने के फ्रिक्शन हुआ, इसमें चार्ज आया, पेपर के पीस हमने तोड़ के रखे थे, बहुत देर हो गई, ठीक है रख दिए पेपर के पीस। अब हम जब पेपर के पीसेस के पास इसको ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। आपने बोला इस पे कैसा चार्ज था? जी मुझे नहीं पता कैसा था, पर मुझे इतना पता है इसको मैंने बालों से रब किया है, और अगर मैंने इसको बालों के साथ रब किया है तो पक्का इसमें चार्ज है, लेकिन पेपर के पीस में तो कोई चार्ज था ही नहीं। तो आपने बोला बात तो आपकी सही है। तो यहां हमको क्या देखने को मिला कि जी उसमें तो अट्रैक्शन होता है। अब मुझे नहीं पता नेगेटिव चार्ज था या पॉजिटिव चार्ज था, पर मुझे इतना पता है जब कॉम्ब को आप बालों के साथ रब करते हो तो कॉम्ब में चार्ज आता है। दुनिया की कोई भी दो चीज जब आप रब करते हो तो उसमें चार्ज आएगा। आपने बोला बिल्कुल आएगा, और आएगा, और पेपर के पीस कैसे थे? आपने बोला न्यूट्रल थे, तो उन दोनों में क्या हुआ? आपने बोला अट्रैक्शन हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कोई एक बॉडी चार्ज्ड है, कोई एक बॉडी तो चार्ज्ड है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, दूसरी बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। तो चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन, आपने बोला कॉम्ब का एग्जांपल देखें तो अट्रैक्शन होता है। भाई कोई और एग्जांपल देख लो, क्या पता रिपल्शन हो जाए। जी नहीं, इसके अलावा हमें ना तो कोई एग्जांपल पता और ना हमने देखा, हमें तो कॉम्ब वाला एग्जांपल बताओ कि कॉम्ब वाले में हमारा जो कॉम्ब था
वो तो चार्ज था, मुझे नहीं पता पॉजिटिव था नेगेटिव था, ये बात बाद की है, पर मुझे इतना पता है कि जो पेपर के पीसेस थे ना, पेपर के पीसेस वो न्यूट्रल थे। वो कैसे थे न्यूट्रल? तो आखिर चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल में अट्रैक्शन कैसे हुआ? चार्ज्ड बॉडी मतलब कोम्ब और न्यूट्रल मतलब पेपर के पीसेस, उन दोनों में अट्रैक्शन हुआ तो हुआ कैसे? बस यही मैं आपको समझाऊंगा इंडक्शन के थ्रू। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि इंडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आप बोलोगे देखो जी हम इंडक्शन में ये पढ़ने वाले हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है वो भी ठीक है, लेकिन चार्ज्ड बॉडी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कैसी भी हो और दूसरी बॉडी है न्यूट्रल, उन दोनों में भी अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव और न्यूट्रल यहां भी अट्रैक्शन मिलेगा और नेगेटिव और न्यूट्रल यहां भी अट्रैक्शन ही मिलेगा। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? इंडक्शन। क्या आपको समझ में आया ना कि आपको पढ़ना क्या है? चलो जी ठीक है, मैं इसको करता हूं रफ। अब जरा आप मेरी बात को समझाओ। देखो मान लो आपके पास एक चार्ज बॉडी है, आपने कहा ठीक है ये कोम भी समझो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ये पेपर के पीस है, थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दूं, आपने कहा जी पेपर के पीस है, ओके पेपर के पीसेज है, मैंने उसका एक पीस लिया। अब इन दोनों में आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन। देखो सुनो क्या माजरा है, माजरा ये है आप बस ये बता दो पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करता है। आपने बोला पॉजिटिव वाला तो हमेशा नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव वाला रिपेल किसको करता है? आपने बोला पॉजिटिव को ही रिपेल करता है। तो कह दूं कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ को खींचता है और पॉजिटिव वाले को अपने से दूर भगाता है। साइन समझ में आते हैं ना डायरेक्शन वाले? तो ये बताओ ये पेपर के पीसेज में क्या चार्ज है? आपने बोला दुनिया की हर चीज में चार्ज है क्योंकि दुनिया की हर चीज किससे बनी है? एटम से, और एटम में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो आपने बोला ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव वाला है तो ये इस एटम के किस तरह के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? आपने बोला नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो कह दूं कि नेगेटिव चार्ज आया लेफ्ट में। तो मैं एक बात कहूं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है ये? कभी इस चीज को मैं चैप्टर 2 में समझाऊंगा और अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं होता कि सारा नेगेटिव इधर आ गया ना, वो बाद की बात है। बस मैं तुमको आराम से थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि इंडक्शन होता क्या है, ठीक है ना? 100% सही नहीं है लेकिन अभी के लिए सही है, ठीक है? तो मैंने कहा जी देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है तो इसका पॉजिटिव वाले को रिपेल करता है, तो पॉजिटिव वाला चला गया दूर, नेगेटिव वाला आया पास। अब मैं तुमसे एक बात और पूछता हूं, टॉपिक का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाए? तो आपने बोला देखो जी ये पॉजिटिव था, हाँ जी कॉम हमने बालों को रब करके पॉजिटिव कर लिया, इस कॉम को मैं यहां ले आया, हाँ जी ले आए, इसके पास आप क्या लाए? पेपर के पीस लाए। आपने इस पेपर के पीस को थोड़ा मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखा दिया, आपने कहा पॉजिटिव वाला इस पेपर के नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाले को रिपेल कर देगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। जरा मुझे एक बात बताओ, तो जब ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में क्या होगा? आपने बोला अट्रैक्शन होगा। और इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव वाले में क्या होगा? आपने बोला इसमें होगा रिपल्शन। आप मुझे एक बात बताओ, जितना नेगेटिव इधर आया उतना ही पॉजिटिव उधर गया? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ नेगेटिव वाला चार्ज पास है, पॉजिटिव वाला चार्ज दूर है, तो बताना अट्रैक्शन ज्यादा होगा या रिपल्शन? जी अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एग्जांपल समझो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव उसको ज्यादा रिपेल करेगा, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? आपने बोला उसको कम रिपेल करेगा क्योंकि वो दूर है और ये नेगेटिव वाला पास है इसलिए इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो कह दूं कि इस वाले केस में अट्रैक्शन ये रहा और रिपल्शन ये रहा, और यहां अट्रैक्शन ज्यादा है किससे? रिपल्शन से। समझे कि नहीं समझे? तो कह दूं कि इस पॉजिटिव से नेगेटिव वाला पास है इसलिए यहां भी अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। किससे? रिपल्शन से, क्योंकि रिपल्शन वाला चार्ज पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव से, वो पॉजिटिव दूर है। जब अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन कम है तो भाई साहब कौन ओवरकम करेगा, कौन जीतेगा? आपने बोला अट्रैक्शन जीतेगा। तो नेट क्या बचेगा? आपने बोला नेट तो अट्रैक्शन ही बचेगा। तो इसीलिए कोम्ब पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है और इस फिनोमेना को बोलते हैं इंडक्शन। जी इसमें क्या इंडक्शन बताऊंगा, बाद की बात है। पहले आप मुझे ये बताओ अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन कम है तो नेट अट्रैक्शन कैसे बचा?
जरा एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप ट्वेल्थ के बच्चे हो, आप कोई भी कर्मकांड कर दो जो आपके मन में आए, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर कर देंगे? आप कुछ भी कर दोगे ना, कुछ भी, तो उनका अट्रैक्शन हमेशा जीत जाता है तुम्हारे रिपल्शन से। मान लो तुम्हारे पापा तुमसे गुस्सा हैं, दो दिन गुस्सा रहेंगे, चार दिन गुस्सा रहेंगे, हाल तो इतनी पापा की औकात नहीं है, तुमसे दो या चार दिन गुस्सा रह जाएं, 10 मिनट 20 मिनट एक घंटा दो घंटा ऐसे होता है, एक बार तुम में दो चार रैपट मारे बात खत्म। तो आप बोलोगे देखो जी मैं कुछ भी गड़बड़ करता हूँ रिपल्शन रहता है लेकिन फिर भी अट्रैक्शन ओवरकम कर जाता है, तो नेट अट्रैक्शन ही बचता है। तो तुम कुछ भी कर दोगे ना तो रिपल्शन हमेशा हारेगा तुम्हारे पापा और तुम्हारे मम्मी भी कह दूं उन दोनों के बीच में, जीतेगा कौन? अट्रैक्शन की है तो हमारा ही बच्चा। तो मैं कह दूं कि यहां भी वही सेम चीज है कि नेगेटिव पास है पॉजिटिव दूर है तो अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन कम है, तो जीतेगा तो कौन? अट्रैक्शन। तो नेट क्या बचा? अट्रैक्शन। इसलिए पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं किससे? किसी भी चार्ज्ड बॉडी से। अब मैं तुमसे पूछूं पेपर के पीसेस पे चार्ज कितना था? आपने बोला पेपर के पीसेस तो न्यूट्रल थे और कॉम पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। और पेपर के पीसेस कैसे थे? आपने बोला पेपर के जो पीसेस थे वो थे न्यूट्रल। तो पॉजिटिव और न्यूट्रल में क्या हुआ? आपने बोला अट्रैक्शन, क्योंकि इसने नेगेटिव को इधर बुला लिया और पॉजिटिव को दूर भगा दिया। नेट क्या बचा? आपने बोला नेगेटिव पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा, पॉजिटिव दूर है रिपल्शन कम है, तो नेट बचेगा अट्रैक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो जी इसमें इंडक्शन क्या होता है? देखो इंडक्शन क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आपने बोला कैसे? ये बताओ क्या इस बॉडी से उसमें चार्ज गया? आपने बोला नहीं गया। चार्ज कैसे चला जाएगा जब टच ही नहीं हुई इसमें, ना फ्रिक्शन हुआ ना कंडक्शन हुआ, तो चार्ज ट्रांसफर तो हुआ नहीं, तो क्या हुआ? आपने बोला इसी के अंदर का चार्ज था जो नेगेटिव तो इधर हो गया और पॉजिटिव इधर चला गया, तो चार्ज का हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ चार्ज का? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो कह दूं कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना ही क्या है? इंडक्शन। नहीं, दोबारा सुनो, आपने बोला देखो नेगेटिव इधर आया पॉजिटिव उधर गया, दूसरे तरीके से कहता हूं, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, तो कह दूं ये वाला जो चार्ज है वो अनलाइक चार्ज है और ये वाला चार्ज कैसा है? लाइक चार्ज है। ये बताओ तुम्हारे पास अनलाइक चार्ज आता है लाइक? जिस कैसे? पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आता है नेगेटिव? आपने बोला नेगेटिव, तो कह दूं अनलाइक आता है। हाँ जी। और रिपेल किसको करते हो? लाइक को। तो लाइक वाला चार्ज अगर ये पॉजिटिव है तो अनलाइक वाला तो पास आता है और लाइक वाला दूर चला जाता है। आपने बोला ठीक है, तो चार्ज का क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन है तो ये इसके अंदर का ही ना, कहीं बाहर से तो नहीं आया? आपने बोला नहीं आया बाहर से। पहले ये बॉडी कैसी थी? न्यूट्रल। अब भी कैसी है? आपने बोला अब भी न्यूट्रल ही है। कैसे पता चला? अजी इसके अंदर कहीं से चार्ज आया थोड़ी है, अरे रीडिस्ट्रीब्यूट ही तो हुआ है, कहीं से आया नहीं है। आपने बोला ठीक है, अब भी पेपर के पीस कैसे हैं? वो अट्रैक्ट भले हो रहे हो लेकिन अब भी कैसे हैं? न्यूट्रल, क्योंकि सिर्फ चार्ज का क्या हुआ है? उधर का उठ के इधर आ गया और इधर वाला उधर चला गया। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो रैंडमली थे वो पॉजिटिव उधर चला गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो चार्ज क्या हुआ है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज के इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या आप ये वर्ड पहले सुना है ना? पोलराइजेशन क्या होता है? कि पोलराइज हो गया, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव उधर आ गया। आपने कहा पहले भी सुना है। तो मैं कह दूं इसी पोलराइजेशन की वजह से इन दोनों में क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाता है, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। आपने कहा ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया, कुछ एग्जांपल बताओ। एक और मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूं, देखो जरा। मान लो ये एक कॉम्ब है, मान लो भाई इस पे इस बार नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मैंने इसके पास पेपर का पीस रखा, ठीक है रख दिया। ये बताओ ये नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? आपने बोला एक ऐसा है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब चार्ज नहीं है। आपने बोला चार्ज है लेकिन नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज कितना है? जीरो, क्योंकि उतना ही पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव। आपने कहा ठीक है, इसके अंदर इस वक्त नेट चार्ज कितना है? जीरो, लेकिन चार्ज तो है ना। हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही पूरे, प्रोटॉन ही पूरे, बराबर है। आपने कहा ठीक है, ये नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? आपने बोला पॉजिटिव को।
किसको रिपेल करेगा? आपने बोला नेगेटिव को। ये बताओ इस नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन, हाँ जी, और इस नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन, अट्रैक्शन ये रहा, हाँ जी, रिपल्शन ये रहा, हाँ जी। ये बताओ कौन ज्यादा है? आपने बोला अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास है नेगेटिव के और नेगेटिव से नेगेटिव दूर है इसलिए रिपल्शन कम है। तो यहां भी क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, रिपल्शन से। तो कौन जीतेगा, कौन ओवरकम करेगा? आपने बोला अट्रैक्शन। तो नेट जो होगा वो एफ नेट जो होगा वो अट्रैक्शन वाला होगा, इसीलिए पेपर का पीस अब भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। समझे कि नहीं समझे? तो अगर पॉजिटिव है तो अनलाइक चार्ज फिर भी पास आया, लाइक दूर गया। नेगेटिव है अब भी अनलाइक पास आया, अब नेगेटिव था तो पॉजिटिव पास आएगा, नेगेटिव दूर जाएगा। तो अगर मैं अब तुमसे एक सवाल पूछूं कि बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, आपने बोला रिपल्शन। बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, आपने बोला अट्रैक्शन। बताओ पॉजिटिव और न्यूट्रल, न्यूट्रल को एन लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रल है। तो बताओ इसमें क्या होगा, आपने बोला अट्रैक्शन। बताओ नेगेटिव और न्यूट्रल में क्या होता है, आपने बोला नेगेटिव और न्यूट्रल में होता है अट्रैक्शन। समझ गए ना तुम मेरी बात? और ये जिस फिनोमिना से हुआ है इसे बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या आपको इंडक्शन समझ में आया? पक्का ना? थोड़ी तो समझ बनी ना इंडक्शन की? जी इंडक्शन कॉम्ब और पेपर के बीच में होता है। हाँ एक और बात, इसमें बॉडी को टच नहीं करना पड़ता, बिना टच किए हो जाता है, समझ में, कॉन्टेक्ट में लाए बिना ही हो जाएगा, दूर से दूर, दूर से दूर पेपर के पीसेस के पास लाए तो वो अट्रैक्ट हो गया। क्या आपको यहाँ तक इंडक्शन समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो जी ये था सिर्फ एग्जांपल, अब मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। उस तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, डेफिनेशन क्या है, देखो जी, इट इज़ द फिनोमिना इन विच ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज अपीयर्स एट द क्लोजर एंड एंड द सिमिलर चार्ज अपीयर्स एट द फार्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाई चार्ज्ड बॉडी। पहली बात देखो, ये आपकी चार्ज्ड बॉडी हो गई, ठीक है, इसके नियर बाई में है, ये आपका मेटल का है, ओके। अब ये बताओ पॉजिटिव वाला इस मेटल के कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? आपने बोला मेटल में चार्ज कहाँ से आया? अरे भैया दुनिया की हर चीज़ में चार्ज है, क्योंकि हर चीज़ में क्या है, एटम है, तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो उसके नेगेटिव को इधर को अट्रैक्ट किया, आपने बोला बिल्कुल किया। तो सारा नेगेटिव इधर आया, आपने बोला बिल्कुल आया, सारा पॉजिटिव उधर गया, आपने बोला बिल्कुल गया। अब एक बात बताना मुझे, तो बस इसी फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन जी। कैसे? कि ऑपोजिट चार्ज देखो ये कैसा था, ये था पॉजिटिव, ये कैसा था पॉजिटिव, और ये कैसा है नेगेटिव। तो ऑपोजिट चार्ज अपीयर्स, ऑपोजिट चार्जेस अपीयर्स एट द क्लोजर एंड, इसके तो क्लोजर ही है, एंड द सिमिलर चार्ज अपीयर्स एट द फार्दर एंड। क्या आपको मेरी बात समझ में? इसी फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन। डेफिनेशन आपके सामने है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ये मेटल के दो स्फीयर हैं, ओके, ये दोनों मेटल के हैं, ठीक है, ये इनका इंसुलेटिंग स्टैंड है, ऐसा स्टैंड जिसका धरती से कोई संबंध नहीं है, ग्राउंड से कोई संबंध नहीं है, अर्थिंग नहीं हो सकती, मतलब ये दोनों आपस में टच हैं लेकिन ये ग्राउंड से टच नहीं है, ठीक है, ओके। मैं इन दोनों के पास एक चार्ज्ड बॉडी लेके आया, आपने कहा ठीक है, तो ये बताओ सारा नेगेटिव तो पास आएगा, सारा पॉजिटिव दूर। पहली बात, जब आप दो कंडक्टर को आपस में टच करते हो फिर वो दोनों एक हो जाता है। आपने बोला कैसे? आप ये बताओ, आपने दो वायर लिए, उन दोनों को आपस में ऐसे मतलब छील के मिला दिया, तो दो वायर हुए एक, आपने बोला एक हो गया तो लंबा वायर हो गया, बस यही बात है। कंडक्टर आपस में टच होते एक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं, तो सारा नेगेटिव इधर सारा पॉजिटिव उधर, हो गया इंडक्शन। आपने कहा बिल्कुल। अब आप इसको एक काम करो, दोनों बॉडी को अलग कर दो, आपने कहा अलग कर दी, तो नेगेटिव तो इसमें रह गया, पॉजिटिव उसमें चला गया, आपने बोला बिल्कुल। देखो रोड अभी भी यही है, तो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ को थोड़ा सा अट्रैक्ट करके रख रही है, देखो यहां कह रही है तू मत जा, तू यहीं रहे, और उसको कह रही है तू दिख मत जाइयो मुझे, तू दूर रहे, अच्छा ठीक है। मैंने कहा अब इसको हटाता हूं, अब इसको हटाते ही ये बताओ मेटल में क्या होता है? जी मेटल तो फ्री कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब कंडक्ट करा सकता है चार्ज को, आराम से फैल सकता है मेटल में चार्ज, तो क्या अब ये नेगेटिव इधर बना रहेगा पॉजिटिव उधर? आपने बोला देखो जी अगर ये है तभी ये नेगेटिव को इधर खींच रहा है, पॉजिटिव को उधर रिपेल कर रहा है, इसके हटते ही ये इधर नहीं रुकेगा, उधर नहीं रुकेगा, सारे में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होता है कंडक्टर, और कंडक्टर में चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। आपने बोला तो ठीक है, जैसे ही मैंने इसको हटाया तो अब देखो क्या हुआ। आपने बोला इधर आ गया, इधर आ गया, ऐसा कैसे हुआ? मैं बोलता हूं मेरी बात सुनो,
ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, अब इन दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन। तो इसका सारा नेगेटिव इधर, इसका सारा पॉजिटिव इधर। मैंने कहा एक काम करो जी, इनको दूर कर दो, उससे क्या होगा जी इनके अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन है वैसे तो यहाँ, वो कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। अब मैंने इन दोनों को दूर किया तो नेगेटिव देखो इधर नहीं रुका और पॉजिटिव यहाँ नहीं रुका, सारे में फैल गया। तो आपने बोला देखो नेगेटिव ये फैल गया और पॉजिटिव वाला ये फैल गया। जी क्यों फैला ऐसे, क्योंकि ये क्या है कंडक्टर है। अच्छा तो फैला क्यों कंडक्टर है, तो अरे भैया ये बताओ तुम मुझे, अगर मैं किसी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज भर दूं, एग्जांपल देखना जरा यहाँ पे, ये एक बॉडी है मेटल की, पहली बात मेटल है, ये क्या है ये मेटल। अगर मैं इसके सेंटर में नेगेटिव 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 खूब भर दूं, ये बताओ क्या नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है रिपल्शन। आपने बोला रिपल्शन, रिपल्शन एक दूसरे को दूर भगाते कि दूर जाओ मेरे से। आपने कहा ठीक है, तो दूर कितना भेज देंगे, आपने बोला सरफेस से भेज देंगे सारे चार्ज को। समझे कि नहीं समझे, अंदर वाला सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा सरफेस पे। जी सरफेस से बाहर क्यों नहीं आ पाया, आपने बोला क्योंकि बाहर क्या मिलने वाली है एयर, बाहर क्या मिलने वाली है एयर, एंड एयर इज अ इंसुलेटर। तो सारा का सारा मेटल को दिया गया चार्ज कहाँ आ जाता है सरफेस पे, क्योंकि मेटल क्या होता है कंडक्टर, उसमें चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है मूव कर सकता है। तो देखो ये नेगेटिव कहाँ आने लगा, सारा सरफेस की तरफ को आने लगा, सरफेस पर आने लगा, और पॉजिटिव भी आ गया। क्या आपको इंडक्शन का ये वाला एग्जांपल समझ में आया, इंडक्शन की डेफिनेशन और ये डायग्राम समझ में आया ना पक्का। अगर आपको समझ में आया तो बस मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 ओके ले लिया होगा आपने। तो चलो मैं इसको रफ करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, इसी तरह के डायग्राम होंगे। अच्छा आप बोलोगे जिसमें क्या लिखेंगे, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम पे पहुँचोगे और टेलीग्राम से आप लोग उसको कर लेना डाउनलोड, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप अपने नोट्स खुद बनाओ, मेरे देख लेना कोई इशू नहीं है, आप क्लास के भी नोट्स जो बोलता रहूँ उस बात को नोट में लिखते रहो, ठीक है ना, बहुत काम आने वाली हैं ये बातें, ठीक है। ओके मैं इसको रफ करता हूँ एंड देन आके लिखता हूँ। तो ये है एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या है, ये अकेली बॉडी है, इसके पास आपने एक पॉजिटिव रोड रखी, ठीक है, सारा नेगेटिव इधर सारा पॉजिटिव इधर, आपने कहा बोला बहुत बढ़िया बात है इंडक्शन हो गया। उसके बाद क्या करा हमने, इसको अर्थिंग कराया, पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव रिपेल हुआ। अब मैंने करा दी यहाँ अर्थिंग, मेरी बात सुनना, अर्थिंग होता क्या है, अर्थिंग का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सेस अमाउंट का चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाता है। अच्छा ठीक है, अगर जैसे मैंने ग्राउंडिंग या अर्थिंग कराई तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, आपने बोला अर्थ में चला जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, आपने बोला न्यूट्रल। समझे कि नहीं समझे। चलो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अर्थिंग वाले टॉपिक को मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा, मैक्सिमम 5 मिनट बताऊंगा, मैं इसमें बताना नहीं चाहता कि अर्थिंग होती क्या है, ठीक है ना, कैसे काम करती है। बस मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि अर्थिंग जब भी आप करते हो तो सारा एक्सेस चार्ज होगा अर्थ में चला जाएगा। तुमको लगता है कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को छोड़ देगा, आपने बोला कतई नहीं छोड़ेगा, अट्रैक्शन है। क्या ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को देखना चाहता था अपने जीवन में, आपने बोला ये वैसे रिपेल कर रहा है इसको, तो ये वाला जिसको रिपेल कर रहा था इसको तो रास्ता मिल गया ना ग्राउंड में जाने का, तो सारा पॉजिटिव कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। तो ये इधर से क्या हुआ न्यूट्रल, इधर कैसा रहा नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा हो गया नेगेटिव। आपने अर्थिंग हटा दी, हटा के देखा रोड एरी नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सिर्फ कैसा चार्ज बचा, आपने बोला नेगेटिव बचा। अब इस रोड को भी हटाते हैं, रोड को हटाते ही सारा नेगेटिव पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये अट्रैक्ट सिर्फ किस वजह से हो रहा था, इसकी वजह से, और ये क्या है मेटल है, वही सेम बात, ये मेटल है मतलब कंडक्टर, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है ना। और जैसे ही आपने रोड को हटाया तो सारा चार्ज कहाँ आया, आपने बोला बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, चार्ज तो रिपेल करेगा और मेटल है कंडक्टर, तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा सरफेस पे आ जाएगा। तो ये आपके पास कैसी रोड थी, आपने बोला पॉजिटिव, और आपने ये कैसी चार्जिंग पाई, मतलब इसमें कैसा चार्ज पाया, आपने बोला नेगेटिव। चलो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे ये बताओ जो चार्जिंग आपने इंडक्शन से करी क्या आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें ऐड किया, आपने बोला नहीं, ये चार्ज ऑलरेडी इसमें था। समझे कि नहीं समझे। तो इंडक्शन में कुछ भी हो जाए, क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव आप लाए, नहीं ये इसमें था, ये सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंडक्शन क्या है, आप बोलोगे इंडक्शन इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अंदर ही रहता है चार्ज उसके, बस क्या हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो अब ये बताओ पॉजिटिव वाले ने कैसा चार्ज किया, नेगेटिव। अब आप ये वाला काम खुद करोगे, इसको मानोगे नेगेटिव तो यहां क्या आएगा पॉजिटिव, यहां क्या
आएगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, सारा अर्थ सारा नेगेटिव कहाँ चला गया अर्थ में चला गया। अगर ये है नेगेटिव तो यहाँ क्या दिखेगा पॉजिटिव, तो इस पर कैसा आएगा पॉजिटिव। जब आपने रोड ली पॉजिटिव तो यहाँ चार्ज कैसा दिखा नेगेटिव, और जब आपने अभी अभी रोड ली नेगेटिव तो यहाँ का चार्ज कैसा दिखा पॉजिटिव। तो कह दूं कि इंडक्शन से अगर तुम पॉजिटिव लेते हो तो नेगेटिव अपीयर होता है, और अगर तुम नेगेटिव लेते हो तो पॉजिटिव, मतलब ऑपोजिट नेचर का ही चार्ज जनरेट होता है। मेरे नोट्स के नोट में लिखा है इंडक्शन के टॉपिक के बाद कि इंडक्शन ऑपोजिट नेचर का ही चार्ज जनरेट कर सकता है। ये पॉजिटिव लोगे तो यहां अर्थिंग वगैरह करा के पॉजिटिव कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। क्या आपको इंडक्शन टॉपिक समझ में आया? देखो जी, आप नोट जरूर पढ़ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, और आप कॉपी कर लेना, ये ऐसे यहां से कर लो वहां से कर लो, लगभग सेम से ही बात है, ठीक है ना। ओके, आपको जैसी भी वीडियो लगी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, अच्छी लगी अच्छी बताइएगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट करो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।